जय हिंद साथियों, रेलवे धाम पटना के ऑनलाइन पोर्टल में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सब जो है स्पेशल संडे में इलेक्ट्रिशियन का वन बाय वन करके अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसको हम सब वन बाय वन देखते हैं। और ये जितना भी इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स जितना भी क्वेश्चन आया होगा साथियों, उसको हम सब वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और ये आपका टाइम जो है सारे 11 बजे से आपका जो है स्टार्ट हो जाता है। यही आपका परिवार है रेलवे धाम पटना। और जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। और यहाँ से अगर अच्छे तरीके से कर रहा है, और इस बार परचम लहराने का काम सभी साथी करेंगे। अगर हम बात करें साथियों, जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। देखिए, यहाँ से आप सबों के लिए प्रॉपर वे में क्लास लगाया जा रहा है। अगर हम बात करें साथियों बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का भी क्लास आपका जो है रेगुलर मोड में जो है 7 AM से चलता है। और उसके बाद है 9 AM से आपका रीजनिंग का भी क्लास यहाँ से लगाया जा रहा है साथियों। और 6:30 बजे शाम में जनरल साइंस का जो है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का एक सीरीज चलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट NCERT बेस्ड क्वेश्चन रहता है साथियों। और 8 PM से अगर हम बात करें, 8 PM से आप सबों के लिए जो है मैथ का क्लास होता है ये, जो कि आपको रामबाण साबित होगा। किसमें? CBT 1 में साथियों। किसमें? CBT 1 में रामबाण साबित होगा, क्योंकि यहीं से आपका जो है आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, देखिए साथी, यहाँ से अगर ये जो आपका है और संडे स्पेशल की बात करें, वो तो रेगुलर क्लास आपका चलता ही चलता है। और टेक्निकल में आपको क्या करना है साथी, जो आपका पेपर CBT 2 में उसी के साथ जो रहेगा, इसमें पास करना नेसेसरी होता है। ये आपका स्पेशल संडे में आपको सब काम छोड़ छाड़ के 1-2 घंटा आपको टेक्निकल में देना है साथियों। और इस तरीके से करेंगे कि आपको यहाँ से 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने से ही आपका बन जाएगा साथियों। अगर इसका बात करें यहाँ से, तो 8 AM से आपका मॉर्निंग में फीटर का क्लास रहता है, फीटर डीजल मैकेनिक्स का, जो कि अदर ग्रुप का AC में आपका क्लास हो जाता है। अगर हम बात करें 11 AM में, और अभी जो आपका ये क्लास चल रहा है इलेक्ट्रीशियन प्लस इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स का क्लास, यहाँ से आपको EEE ग्रुप का यहाँ से क्लास आपको देखने के लिए मिलता है साथियों। फिर जा करके आपका शाम में 7 PM में संडे को ही आपका NCERT साइंस स्पेशल सीरीज चलता है, वो भी आप यहाँ से जुड़ सकते हैं साथियों। अगर हम बात करें, ये सब तो आपका है, और ये जो आपका टेक्निकल है साथियों, टेक्निकल पे पकड़ बनाना, क्योंकि टेक्निकल जो है आपका ये जो है क्वालिफाइंग पेपर होता है। जब तक ये क्वालिफाई नहीं करते हैं, तब तक दूसरा पेपर जो है आपका क्या होता है साथियों, वो चेक ही नहीं होता है। तो इसीलिए सबसे पहले फोकस क्या करना है, CBT 1 तो आपका क्लियर है ही है, CBT 2 को फोकस करना है जो रेगुलर वे में चल रहा है। लेकिन ये जो आपका पेपर है इलेक्ट्रिशियन, उसको क्या करना है साथियों, उसको जो है संडे स्पेशल में आकर के देखना है, और अच्छे अपने बेस को मजबूत करना है साथियों। अगर हम बात करें, अभी तक कोई ऐसा साथी है कि जो कि अभी तक टेक्निकल से पीछे छूट गए हैं, या कोई भी सब्जेक्ट लगता है वीक है, तो आप स्कोर प्लस से आकर के यहां से आप अपने पेपर को मजबूत कर सकते हैं साथियों। चाहे आप मैथ हो, साइंस हो, रीजनिंग हो, GK GS हो, यहां से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और यहां से आप इलेक्ट्रिशियन का भी अच्छे तरीके से यहां से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन का वैकेंसी बहुत सारे फील्ड में आते रहता है। और इस तरीके से आपका रेलवे में इस बार तो परचम लहराने का काम हम सब करेंगे ही साथियों। अगर हम बात करें साथियों नेक्स्ट, अगर देखिए हम सब यहाँ से आ गए हैं, ये जो है आपका आप सबों के लिए बहुत दिनों से तो हो ही रहा है कि आपका बुक लंच होगा। अब बहुत ही कुछ दिनों में आपके आप सबों के सामने वो बुक आ जाएगा। इस बुक की अगर हम बात करें साथियों, इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी रहेगा, चैप्टर वाइज PYQ क्वेश्चन रहेगा, और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का PYQ क्वेश्चन रहेगा। और इसमें अगर हम बात करें अप्रॉक्स में 2000 क्वेश्चन था, अब इसमें 5000 क्वेश्चन इसमें कलेक्ट कर दिया गया है साथियों, जो कि आपको क्या होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ से। अगर हम बात करें तो अब सभी साथियों जहाँ भी हैं आ जाइए, और अच्छे तरीके से हम सब क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देते हैं।
और यही जो है आपका साथियों, अगर इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो इस बार परचम लहराने का काम करेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया गया है साथियों। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करता है साथियों। किसका बोल रहा है? आर्मेचर धारा, आर्मेचर करंट की बात कर रहा है साथियों। किसका? आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट आई ए से ये बोल रहा है इसे निर्भर नहीं करता है। इसमें अगर बात करें तो ये कंपाउंड मोटर करता है साथियों, सीरीज मोटर करता है, लेकिन ये आपका जो है संट मोटर जो है साथियों, संट मोटर आर्मेचर करंट से ये आपका डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका हो जाएगा संट मोटर। अगर बात करें सीरीज मोटर का हम कहां इस्तेमाल करते हैं साथियों? ट्रैक्शन सिस्टम में, ट्रैक्शन सिस्टम में हम सब किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों? ट्रैक्शन सिस्टम में हम सब सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। पूछेगा क्यों करते हैं इस्तेमाल? क्योंकि इसका जो है साथियों स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है साथियों। क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। किसका साथियों? तो ये आपका हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है विद्युत संबंधी कार्य, विद्युत संबंधी कार्य, संबंधी कार्य करते समय डैश से बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं होता है। अब बोल रहा है इसमें से हमको ये जो आपका दिया गया, पहला दिया है धातु की छड़, दूसरा दिया है गीली रस्सी, और तीसरा दिया है गीली लकड़ी, चौथा दिया है सूखी लकड़ी। अब बोल रहा है इसमें से हम किसका इस्तेमाल करें जो इलेक्ट्रिसिटी से शॉक नहीं लगे, झटका ना लगे, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? धातु की छड़ का इस्तेमाल कभी करेंगे साथियों? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये जो आपका है धातु, जो मेटल जो है साथियों, मेटल वो आपका क्या होता है साथियों? मेटल गुड कंडक्टर होता है। अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे करंट जो है आई आसानी से पास कर जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? आसानी से पास कर जाएगा। तो इसीलिए इसका तो हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जितने भी मेटल हैं वो सभी क्या होता है साथियों? गुड कंडक्टर होता है। अब रस्सी है, रस्सी को अगर हम गीला कर देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों? रस्सी है उसको अगर हम गीला कर देंगे तो ये जो है कंडक्टर के, गुड कंडक्टर के तरह हो जाएगा साथियों, गुड कंडक्टर के तरह हो जाएगा, गुड कंडक्टर की तरह हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा साथियों? घट जाएगा। हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस घट जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? आसानी से पास कर जाएगा। तो इसका भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बोल रहा है गीली लकड़ी, लकड़ी है लेकिन उसको भिगा दिए तो क्या होगा? ये भी कंडक्टर हो जाएगा। तो सेम कंडीशन इसमें भी हो जाएगा। अब जैसे लकड़ी है लेकिन कैसा है? सूखी लकड़ी है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा साथियों? रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा साथियों? घट जाएगा, बहुत घट जाएगा। ये किसके तरह हो जाएगा? इंसुलेटर के तरह हो जाएगा साथियों। किसके तरह? इंसुलेटर के तरह हो जाएगा। हम जानते, आप सब जानते ही हैं इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता है, इसीलिए हम सब किसका इस्तेमाल करेंगे? हम सब इस्तेमाल करेंगे साथियों सूखी लकड़ी का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ड्राई वुड, सूखी लकड़ी का इस्तेमाल हम सब इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं। अगर कहीं झटका लगता है तो हम सूखी लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। आगे हम सब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ें, दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ें साथियों। अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है किस प्रकार की मोटर में भारी लोड के लिए फ्लाई व्हील का उपयोग किया जाता है साथियों। आपका पहला देखिए क्या दिया है, पहला दिया है एसी संट मोटर, दूसरा दिया है डीसी संट मोटर, तीसरा दिया है डीसी सीरीज मोटर, चौथा दिया है एसी सीरीज मोटर। ये जो बोल रहा है भारी लोड, हैवी लोड जो देते हैं साथियों, ये किसके लिए हो जाएगा? डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर क्यों हो जाएगा साथियों? क्योंकि अभी जस्ट हम सब देखे थे कि डीसी सीरीज मोटर का जो है स्टार्टिंग टॉर्क जो है साथियों, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है, इसीलिए इसका हम किसका इस्तेमाल करेंगे? डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करेंगे साथियों। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये प्लेटफॉर्म संख्या 3 का हो गया, क्या हो जाएगा? डीसी सीरीज मोटर। अगर हम नेक्स्ट बात करें 4 नंबर में, देखिए क्या बोल रहा है, ये प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार कोण कितना होता है। साथियों इसमें जो है लोड, इसमें पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर इसमें कब मैक्सिमम होगा किसका, अल्टरनेटर के केस में, तो यहाँ से थीटा का जो मान जो है साथियों कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। इस कंडीशन में जो है साथियों, इस कंडीशन में आपका पावर जो है इसका मैक्सिमम हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों, मैक्सिमम हो जाता है अल्टरनेटर के केस में। अब पूछ लेगा अल्टरनेटर जो है साथियों इसका रेटिंग क्या होता है, अल्टरनेटर की अगर हम रेटिंग की बात करें, केवीए में रेटिंग होता है साथियों, किसमें, केवीए की। अगर मोटर की रेटिंग की बात करें साथियों किसमें हो जाएगा, ये किलो वाट में होता है। अगर पूछेगा हम सबके घरेलू में जो यूनिट आता है वो किसमें आता है साथियों, किलो वाट आवर में आता है, इसी को हम सब क्या बोलते हैं साथियों, इसको यूनिट बोलते हैं। आप पूछेगा वन यूनिट बराबर कितना होता है, वन यूनिट बराबर आपका होता है 1 किलो वाट आवर। आप पूछेगा 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, 3.6 × 10⁻⁶ हो जाएगा जूल, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ को बोलते हैं क्या साथियों, मेगा जूल। तो क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁶ मेगा जूल हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, ये 860 किलो कैलोरी होता है साथियों, किलो कैलोरी में भी अगर चेंज करने के लिए बोलेगा तो यहाँ से ये भी हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में जनरली क्या पूछता है, 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होता है, तो कितना हो जाएगा साथियों, 3.6 मेगा जूल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पे 5 नंबर में, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट की अगर हम बात करें साथियों, वो आपका क्या हो जाएगा, सोडियम वेपर लैंप हो जाएगा। अगर हम सोडियम वेपर लैंप की बात करें साथियों, सोडियम वेपर लैंप की बात करें, लैंप तो क्या हो जाएगा, इसमें पूछेगा ये कैसा कलर देता है साथियों, तो ये येलो कलर देता है। कैसा कलर, ये किस पे बेस्ड ऑन है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट पे, ये लाइट पे बेस्ड ऑन होता है। अगर हम बात करें दूसरा, यहां से कितने पे ऑपरेट होता है, 230 वोल्ट पे ऑपरेट होता है ये आपका। अगर दूसरा बात करें ये कहां यूज करते हैं, स्ट्रीट लाइट में हम सब किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों, स्ट्रीट लाइट में हम सब सोडियम वेपर लैंप का इस्तेमाल करते हैं साथियों। इतना आप जो है एक सोडियम वेपर लैंप से आपको यहां से इतना करना है साथियों। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा यहां से 4 नंबर D। अगर हम बल्ब की बात करें साथियों, बल्ब में जो है बल्ब का टाइप आपका फिलामेंट किसका बना होता है साथियों। अगर हम फिलामेंट की बात करें, फिलामेंट ये आपका टंगस्टन का बना होता है साथियों, किसका, टंगस्टन का बना होता है। अगर हम इसका सिंबल की बात करें क्या होता है W साथियों। ऑपरेटिंग टेम्परेचर की बात करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3380 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा साथियों, किसका, ये टेम्परेचर हो जाएगा। आगे हम सब बढ़ हैं आगे, बहुत अच्छा साथियों। फ्रीक्वेंसी अगर बात करें, फ्रीक्वेंसी सुनील जी बोल रहे कितना हो जाएगा, इंडिया में हम सब यूज करते हैं कितना साथियों, 50 हर्ज इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा साथियों। इसी तरीके से संडे स्पेशल बनाना है, और हम आपका एक संडे लेते हैं, और आपका जितना दिन रेस्ट बचता है उस दिन आप जो है आपका जितना CBT 1 में अच्छे तरीके से लग जाइए, और इस बार परचम लहराने का काम करेंगे साथियों। इसी तरीके से आप सब जितना भी है इसमें कम से कम 10, 20, 15, 20 जितना साथी हैं आ जाइए, और इस बार परचम लहराने का काम करेंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं हम सब प्लेटफॉर्म संख्या 6 पे। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन और मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर का प्रकार है। अगर हम वॉशिंग मशीन या मिक्सर की बात करें, इसके लिए क्या होता है साथियों, इसके लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। क्या चाहिए साथियों, हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। अगर हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए इसके लिए हम सब किसका इस्तेमाल करेंगे साथियों, हम सब यूनिवर्सल मोटर का इस्तेमाल करेंगे साथियों। किसका, यूनिवर्सल मोटर।
अब पूछेगा यूनिवर्सल मोटर किस पे ऑपरेट होता है। यूनिवर्सल मोटर देख इसमें दिया है वॉशिंग मशीन साथियों, क्या दिया है क्वेश्चन में है आपका वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, और उसके बाद दिया है आपका मिक्सचर, मिक्सचर ग्राइंडर, मिक्सचर में सामान्यतः सामान्यतः प्रयुक्त मोटर मोटर का प्रकार है। क्या बोल रहा है साथियों, इसमें बोल रहा है आपका कि वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन मिक्सर में सामान्यतः प्रयुक्त मोटर कौन सा है उसका नाम बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। क्या हो जाएगा साथियों, यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। अब पूछेगा ये यूनिवर्सल मोटर किस पे ऑपरेट होता है, एसी पे भी ऑपरेट हो सकता है और डीसी पे भी ऑपरेट हो सकता है। अभी जस्ट हम देखें इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है साथियों, स्टार्टिंग टॉर्क जो है साथियों यूनिवर्सल मोटर का हाई होता है, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम सब करते हैं वॉशिंग मशीन और मिक्सचर में। अगर बात करें सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर जो होता है ये कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है साथियों, कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है साथियों, कौन तो आपका हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर। अगर हम डीसी संट मोटर की बात करें, डीसी संट मोटर का इस्तेमाल हम सब कहाँ करते हैं, डीसी संट मोटर भी ये कांस्टेंट में आ जाता है। अगर हम रिलक्टेंस मोटर की बात करें साथियों, इसका लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ये हम कंट्रोलिंग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं साथियों, किसमें कंट्रोलिंग पर्पस में इस्तेमाल करते हैं साथियों, कंट्रोलिंग पर्पस में पूछेगा किसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा रिलक्टेंस मोटर का। आगे हम सब देखें साथियों, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 600 वोल्ट का आपको कोई भी चीज मेजर करना है अधिकतम वोल्टेज पर संचालित उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण कितना होगा। इसमें दिया है 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज वोल्टेज पर संचालित संचालित उपकरण उपकरण के लिए आवश्यक आवश्यक इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट वोल्टेज कितना होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करना है साथियों, कितना दिया है 600 वोल्ट दिया है, 600 कम अगर कम रहेगा तो ये आपका क्या करेगा टेस्ट ही नहीं होगा, तो ये पहला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए ये भी 600 से कम है तो ये भी नहीं होगा, अब ये भी देखे तो क्या हो जाएगा 300 है तो ये भी कम है, लेकिन जब भी मेजर करेंगे तो 600 वोल्ट से हमेशा क्या होगा ज़्यादा होगा। ऑप्शन में देखिए 600 से ज़्यादा किस में, एक ही में कितना हो जाएगा 1000 वोल्ट हो जाएगा। आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा साथियों 1000 वोल्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ इंडिया में पूछेगा कितने पे हम सब जनरेटिंग वोल्टेज करते हैं, 11 kV जो है ना ये जनरेटिंग वोल्टेज है इंडिया का, जनरेटिंग वोल्टेज। अब पूछेगा साथियों इंडिया में ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना है, हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज तो इंडिया में कितना है, ये आपका 765 kV है, या पुराना डाटा की बात करें ये 400 kV था,
लेकिन अभी जो बात करें तो कितना है 765 kV इंडिया में हाई ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज यूज कर रहे हैं साथियों। आगे हम सब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब आ गए हैं प्लेटफॉर्म संख्या 8 पे। प्लेटफॉर्म संख्या 8 में बोल रहा है कि अगर कोई आपका कैपेसिटिव सर्किट है साथियों, ये आपका कैपेसिटर है इस तरीके से लगा हुआ है। अब इसमें बोल रहा है ये वोल्टेज सोर्स दे दिया है, इधर आपका करंट होगा। अगर हम कैपेसिटर लगा देते हैं तब इसमें पूछता है पावर फैक्टर। हम सब जानते हैं पावर फैक्टर जो है साथियों, पावर फैक्टर ये क्या होता है, वोल्टेज और करंट का जो क्या होता है प्रोडक्ट होता है। और ये जो अगर हम पावर फैक्टर की बात करें, ये आपका वोल्टेज को अगर हम रेफरेंस ले लें, इसके ऊपर में जो आपका करंट आ जाएगा, इसके बीच में जो एंगल होता है यही आपका पावर फैक्टर एंगल कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? पावर फैक्टर एंगल। या तो ये इधर हो सकता है या तो आपका एक इधर हो सकता है, एक हो जाएगा लीडिंग, दूसरा हो जाएगा लैगिंग। ये अगर हम बात करें वोल्टेज के सापेक्ष में, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें साथियों, ये जो करंट आई है तो क्या है, करंट आई आगे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा साथियों, लीड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। अब कैपेसिटर में पावर फैक्टर क्या होता है साथियों, लीडिंग होता है। अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर या कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर आपका क्या होता है साथियों, लीडिंग होता है। यही अगर आपका इंडक्टिव सर्किट रहता, इंडक्टिव सर्किट रहता, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ रहता, एल है, यहाँ पे बी है, इधर करंट आई है, यहाँ से अगर हम बात करें इसके लिए अगर पावर फैक्टर पूछता तो क्या हो जाता। अगर इसके लिए पावर फैक्टर की बात करें साथियों तो क्या हो जाएगा, ये जो थीटा है इसके साथ क्या कर रहा है, पावर फैक्टर लैगिंग हो रहा है साथियों। क्या हो जाएगा, लैगिंग हो रहा है। एक और पूछता है, अगर ये तो पहला हो गया कैपेसिटिव के लिए, दूसरा हो गया किसके लिए साथियों, इंडक्टिव के लिए। अगर हम बात करें तीसरा, अगर हम रेजिस्टिव के लिए बात करें, रेजिस्टिव सर्किट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, इधर करंट आई है, यहाँ वोल्टेज भी है, इसमें अगर हम पावर फैक्टर बात करें तो इसमें पावर फैक्टर क्या हो जाता है, यूनिटी पावर फैक्टर हो जाता है साथियों। तीन में से इस बार आपको एक न एक आपको देखने के लिए मिलेगा साथियों। अगर पूछेगा कि कोई रजिस्टिव सर्किट है उसमें पावर फैक्टर बताइए क्या होगा, तो आप क्या लगाइएगा साइन, उसमें लगाइएगा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यूनिटी फैक्टर, पावर फैक्टर कहने का मतलब जिसको हम रेफरेंस माने हैं वोल्टेज, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, उसी पे आपका वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। दोनों के बीच का अगर हम एंगल थीटा की बात करें तो साथियों क्या हो जाएगा, जीरो। हम सब जानते हैं कि पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर हम सब जानते हैं, पावर फैक्टर होता है VI cos थीटा होता है साथियों। कॉस का जीरो का मान करेंगे तो कितना हो जाता है, वन हो जाता है, वन यूनिटी हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा साथियों, वो आपका हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर। अगर हम इसका बात करें तो ये क्या हो जाएगा साथियों, इसको हम सब बोलते हैं अग्रगामी, अग्रगामी को बोलते हैं साथियों लीडिंग, अग्र मतलब आगे, तो क्या हो जाएगा, लीडिंग हो जाएगा। ये क्या है, पश्चगामी, पीछे, पीछे का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, लैगिंग हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसको गर्दा उड़ाने का सभी साथियों काम करेंगे ना। आगे हम सब बढ़े, ये किसके लिए हो जाएगा साथियों, रजिस्टिव सर्किट के लिए हो जाएगा, रजिस्टिव सर्किट के लिए होगा। हम सब यहाँ पे यही, ये टारगेट नहीं है कि 75 क्वेश्चन को करना है, हम सबको टारगेट करना है यहाँ से 75 क्वेश्चन में कम से कम 500 क्वेश्चन को डील करना है। अगर एक इस तरीके से स्पेशल संडे में अटेंड कर लेते हैं साथियों, कॉन्फिडेंस के साथ है कि यहाँ से आपका 100% जो भी साथी जुड़े हुए रहेंगे उसका यहाँ से रिजल्ट हो जाएगा। आगे हम सब बढ़े, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से दिया गया है, अब बोल रहा है सीआरओ, सीआरओ में ट्रिगर लेवल नॉब का कार्य क्या है। अगर हम सीआरओ की बात करें, यह भी आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है साथियों, कैथोड रे ओसिलेटर होता है साथियों। क्या होता है, कैथोड, कैथोड रे ओसिलेटर होता है। अगर हम इसका बात करें तो ये क्या हो जाएगा, चुने गए चैनल के क्षेत्र स्कोप में, स्कोप में ये आपका हो जाएगा निम्न प्रदर्शित करने का काम करता है, प्राप्त करने के लिए आवश्यक इनपुट सिग्नल के स्तर को बदलता है। ये क्या करता है, ये जो आपका सीआरओ है साथियों, सीआरओ ये इनपुट सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को जो है, इनपुट सिग्नल,
इनपुट सिग्नल सिग्नल को चेंज करने का काम करता है साथियों। सिर्फ आपको यह याद रखना है कैथोड रे ओसिलेटर क्या काम करता है, इनपुट सिग्नल को बदलने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आपका हो जाएगा यहां से डी। आगे हम सब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब आ गए हैं कितना पे, हम सब आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि भंवर धारा हानियां, जिसको हम सब बोलते हैं ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस डीसी मशीन के किस भाग में होता है। अगर हम बात करें ईडी करंट लॉस का साथियों, अगर हम लॉस की बात करें, लॉस की बात करें किस में, डीसी मशीन में, डीसी मशीन में लॉस की बात करें तो क्या क्या होता है। लॉस एक आपका होता है साथियों कांस्टेंट लॉस, कांस्टेंट लॉस। अगर पूछेगा और इसका क्या नाम है, कांस्टेंट लॉस को ही हम सब बोलते हैं आयरन लॉस। अब एक होता है वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस, वेरिएबल लॉस को और किस नाम से जानते हैं साथियों, इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। क्या हो जाएगा साथियों, कॉपर लॉस। अब आगे अगर हम बात करें कांस्टेंट लॉस पूछेगा कितने तरह का होता है, ये दो तरह का होता है। एक आपका होता है साथियों हिस्ट्रेसिस लॉस, हिस्ट्रेसिस लॉस। दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस, ईडी करंट लॉस। अब पूछेगा हिस्ट्रेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस किस लॉस के अंतर्गत आता है, ये दोनों जो है साथियों आपका कांस्टेंट लॉस में आता है। कांस्टेंट लॉस को ही क्या बोलते हैं, आयरन लॉस बोलते हैं। कभी कभी अच्छा देगा हिस्ट्रेसिस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों को ऐड करने पे क्या आता है, तो आपका क्या हो जाएगा, आयरन लॉस हो जाएगा। अब पूछेगा वेरिएबल लॉस किसको बोलते हैं, वेरिएबल लॉस को ही बोलते हैं कॉपर लॉस बोलते हैं। अब ये किस में आता है, कॉपर लॉस जो है साथियों आपका फील्ड में आता है, किस में आता है, फील्ड में आपका कॉपर लॉस आता है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा है कि आपका ईडी करंट लॉस किस में आता है, ये आर्मेचर में आता है साथियों। किस में, डीसी मशीन के आर्मेचर में आपका कौन लॉस होता है, डीसी करंट के, डीसी मशीन के आर्मेचर में आपका ईडी करंट लॉस होता है। अगर आप सब जानते हैं साथियों तो बता दीजिए कि ईडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम ईडी करंट लॉस डब्ल्यू ई की बात करें साथियों, ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा के ई बी मैक्स, बी मैक्स, बी मैक्स स्क्वायर एफ एस, क्या हो जाएगा साथियों, एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू भी। ये आपका किसका फॉर्मूला हो जाएगा साथियों, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा ईडी करंट लॉस का। अब यहाँ से पूछेगा ये फ्लक्स डेंसिटी जो है, ये मैक्स फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होता है साथियों, आपका हो जाएगा टेस्ला। टेस्ला किसका यूनिट होता है साथियों, फ्लक्स डेंसिटी का। अगर फ्रीक्वेंसी की यूनिट की बात करें क्या हो जाएगा साथियों, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा हर्ज। अब बात करें हमको ईडी करंट लॉस को कम करना है, ईडी करंट लॉस को कम करना है, रिड्यूस करना है, तो क्या करेंगे, लेमिनेशन कर देते हैं साथियों, लेमिनेशन कर देते हैं। अब कभी कभी इसका रेंज पूछ लेता है, जो हम सब जो लेमिनेशन करते हैं उसका रेंज कितना होता है साथियों। अगर हम रेंज की बात करें लेमिनेशन का, 0.35 mm से लेकर के कितना हो जाएगा, 0.5 mm के बीच में लेमिनेशन होता है। ये जो क्वेश्चन है साथियों, रेंज जो पूछा है लेमिनेशन का, ये जो है आपका, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है। पूछेगा ईडी करंट लॉस को कम करना है तो क्या करेंगे, लेमिनेशन कर देंगे। पूछेगा लेमिनेशन जो करेंगे उसका कितना मोटाई रेंज होना चाहिए, वो 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm, 0.0 कितना करते हैं साथियों, 0.5 mm, अच्छे से लिखना है, कंफ्यूजन नहीं करना है, कितना है, 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm के बीच में हम सब क्या करते हैं, लेमिनेशन करते हैं। आगे हम सब देखें, अगर देखिए ब्रश, ब्रश क्या करता है, ये करंट को कलेक्ट करने का काम करता है साथियों। क्या करता है, करंट का, इसमें बोल रहे हैं लेमिनेटेड कोर का यूज कर, हाँ सही सही बात है साथियों, लेमिनेटेड कोर का करते हैं। उसका मोटाई भी पूछ लेता है कि कितना होता है थिकनेस, तो 0.35 mm से 0.5 mm इसको लिख लेना है। अब पूछेगा ये तो किसका हो गया, ये हो गया ईडी करंट लॉस का।
अब पूछ लेगा हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो जानते हैं तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जो नहीं जानते हैं तो देखिए क्या करेंगे। अब हमको क्या निकालना है, WH निकालना है। हम इसको क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KH बी मैक्स पे पावर कितना हो जाएगा साथियों, बी मैक्स पे पावर आपका हो जाएगा 1.6, और क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, T हो जाएगा, B हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस का। अब पूछेगा कि हिस्टेरेसिस लॉस को अगर कम करना है, हिस्टेरेसिस लॉस को अगर कम करना है, हिस्टेरेसिस लॉस को अगर कम करना है तो इसमें हम सब सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं साथियों। किसका, सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल करते हैं। किस में हम सब इस्तेमाल करते हैं, ये आपका जो हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए। अब आगे पूछेगा कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम कॉपर लॉस की बात करें साथियों, ये आपका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ये कॉपर लॉस का फॉर्मूला होता है। बहुत अच्छा, सुनील जी 1.6 होता है। आगे हम सब बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब आ गए हैं 11 नंबर में। अब इसमें बोल रहा है कि सोल्डरिंग आयरन की बिट, सोल्डरिंग आयरन की बिट बिट बनी होती है। अगर हम सोल्डरिंग आयरन की बात करें किसका बना होता है, तो साथियों ये किसका हो जाएगा, ये आपका कॉपर का हो जाएगा साथियों। किसका, कॉपर का बना होता है। अब बात करें पीतल, पीतल जो है किसका, ये एलॉय होता है साथियों। इसमें याद रखना है पिताजी, क्या हो जाएगा साथियों, पिताजी। ता से आपका देखिए क्या हो जाएगा, ता से हो जाएगा तांबा, तांबा। और जा से क्या हो जाएगा साथियों, जास्ता। तांबा का सिंबल क्या हो जाएगा साथियों, Cu। जास्ता का सिंबल क्या हो जाएगा, Zn। अगर हम बात करें टीन का सिंबल क्या होता है साथियों, तो टीन का हो जाएगा Sn। स्टील किसका सिंबल होता है, Fe हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ये सभी Li से मिला करके हम सब क्या करते हैं साथियों, स्टील बनाते हैं। अगर हम यहीं से अगर पूछ ले क्वेश्चन, ये Sn है, Sn का सिंबल क्या होता है, टीन का सिंबल Sn होता है साथियों। अगर यहीं से पूछ लेगा कॉपर जो है, कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 29 होता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका अराइज होता है साथियों। आगे हम सब बढ़ें, आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, बहुत अच्छा साथियों राकेश जी, डी हो जाएगा, कॉपर प्लस जिंक हो जाएगा। अब गैल्वेनाइज जो करते हैं साथियों, पूछेगा गैल्वेनाइज क्यों करते हैं, गैल्वेनाइज हम सब आयरन पे करते हैं साथियों। किस में करते हैं, गैल्वेनाइज आयरन में करते हैं, गैल्वेनाइज में रूप में किसका करते हैं, जिंक का लेयर चढ़ाते हैं। लेकिन किस पे करते हैं, किस पे करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयरन पे करते हैं साथियों। किस पे, आयरन को बचाने के लिए हम सब गैल्वेनाइज का इस्तेमाल करते हैं साथियों। आगे हम सब बढ़ें, तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 12 नंबर में। देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, सर्वो स्टेबलाइजर में निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं साथियों। सर्वो स्टेबलाइजर की अगर हम बात करें, किसका इस्तेमाल बोल रहा है, ट्रांसफार्मर। सर्वो स्टेबलाइजर में सर्वो स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर पूछेगा ये काम क्या करता है, ये वोल्टेज को मेंटेन करने का काम करता है साथियों, वोल्टेज को मेंटेन करने का काम करता है, वोल्टेज को मेंटेन करने का काम करता है। इसमें पूछ रहा है किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं साथियों। क्या हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। अब पूछेगा ये किस पे काम करता है ऑटो ट्रांसफार्मर, कंडक्शन, कंडक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, इंडक्शन, ये आपका दोनों पे काम करता है। अगर हम बात करें ऑटो ट्रांसफार्मर में पूछेगा कितने वाइंडिंग होते हैं, वह सिंगल वाइंडिंग होता है साथियों, सिंगल वाइंडिंग होता है,
सिंगल वाइंडिंग, लेकिन उसी को क्या कर दिया जाता है, कॉमन कर दिया जाता है। किसको? ऑटो ट्रांसफार्मर में। अगर हम बात करें यहां से देखिए दिया है ट्रांसफार्मर की, अगर हम बात करें साथियों ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें, वर्किंग की बात करें, दो तरह का होता है। एक होता है साथियों आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा साथियों? स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज के और करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको बढ़ाने का, हाई करने का काम करेगा स्टेप अप। अगर यही वोल्टेज रहेगा, करंट रहेगा, इसको अगर कम करने का काम करेगा, इसके मैग्नीट्यूड को घटाने का काम कौन करता है? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन इसको घटाने का काम करता है। बोलेगा जब ये मैग्नीट्यूड को घटा या बढ़ा रहा होता है, दोनों के कंडीशन में कांस्टेंट क्या रहता है, सेम कौन क्या चीज रहता है, इसमें सेम आपका पावर हो जाता है, फ्लक्स हो जाता है, और क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। पूछेगा जी आपका जो ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है इसमें क्या क्या आपका कांस्टेंट रहता है, पावर कांस्टेंट रहता है, फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, ये सब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पे कोई चेंज नहीं होता है। अगर हम आंसर की बात करें साथियों क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। आगे हम सब बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब आ गए हैं प्लेटफॉर्म संख्या 13 पे। अब इसमें बोल रहा है KVAR मोटर का उपयोग थ्री फेज परिपथों में KVA के डैश घटक के लिए करते हैं। KVA के हम सब वाटलेस कंपोनेंट के रूप में करते हैं साथियों। अगर हम पावर ट्रायंगल की बात करें, किसका साथियों, पावर ट्रायंगल की बात करें, तो ये आपका जो है, ये आपका किसमें एक्टिव पावर होता है साथियों। क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर ये क्या हो जाएगा साथियों? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर। अब यहां से भी आपका क्वेश्चन एक टपक जाएगा, यहां से पूछेगा ये जो आपका दिया गया है एक्टिव पावर, एपरेंट पावर, अब पूछेगा एपरेंट पावर, यहां से पहले एक्टिव पावर को देखते हैं। एक्टिव पावर का अगर पूछेगा यूनिट क्या होता है साथियों, किसका, एक्टिव पावर का, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर का यूनिट होता है किलोवाट, वाट हो जाएगा, मेगावाट हो जाएगा, गीगावाट हो जाएगा। आंसर यहां देखना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा किलोवाट। अगर हम बात करें रिएक्टिव पावर का, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या हो जाएगा साथियों? KVAR। पूछेगा KVAR जो है किस पावर का यूनिट होता है, तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? रिएक्टिव पावर। अब आपका क्या बचा? एपरेंट पावर। पूछेगा एपरेंट पावर का यूनिट क्या होता है साथियों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? KVA हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? KVA हो जाएगा। आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? वाटलेस कंपोनेंट हो जाएगा। आगे हम सब बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब आ गए हैं प्लेटफॉर्म संख्या 14 पे। प्लेटफॉर्म संख्या 14 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरण इंडक्शन मोटर के गति नियंत्रण की विधि नहीं होती है। अगर हम इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल की बात करें, स्पीड कंट्रोल में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल पहला हो जाएगा साथियों। स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। दूसरा क्या हो जाएगा साथियों? दूसरा आपका हो जाएगा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तीसरा आपका क्या हो जाएगा साथियों? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ये आपका क्या होता है, और ये जो आपका है स्टार्टर प्रतिरोध कंट्रोल, इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसमें नहीं करते हैं साथियों? इंडक्शन मोटर में। अब पूछेगा इंडक्शन मोटर में जो हम सब स्पीड निकालते हैं, ns बराबर क्या फार्मूला होता है? ns बराबर आपका होता है 120 इंटू एफ बाय में क्या हो जाएगा साथियों? p। अब यहां से पूछता है ये f क्या है साथियों? फ्रीक्वेंसी है। p क्या है? नंबर ऑफ पोल है साथियों। और ये किस में आता है? RPM में आता है साथियों। RPM में, रेवोल्यूशन पर मिनट में आपका स्पीड आता है। अब एक आता है NR, जिसको हम रोटर स्पीड बोलते हैं साथियों, NR। और NR जो होता है ये रोटर स्पीड होता है साथियों। क्या हो जाएगा? रोटर स्पीड। अब बात करें
एक आता है एनएस माइनस एनआर, पूछेगा एनएस माइनस एनआर को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साथियों स्लिप स्पीड। क्या हो जाएगा? स्लिप स्पीड। अब पूछेगा परसेंटेज स्लिप स्पीड निकालिए, तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज स्लिप, एस परसेंटेज स्लिप निकालिए, तो क्या हो जाएगा? एन एस माइनस एन आर बाय में हो जाएगा एन एस इंटू कर देंगे 100। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा साथियों? ये जो है आपका स्लिप स्पीड निकल के आ जाएगा। अब बोल रहा इंडक्शन के लिए हम सब स्लिप का वैल्यू कितना लेते हैं, 4% के आसपास हम सब स्लिप का वैल्यू लेते हैं साथियों। कितना? 4% के आसपास स्लिप का स्पीड लेते हैं साथियों। बहुत अच्छा साथियों, आगे हम सब बढ़ें, इसी तरीके से तहलका मचाने का काम करेंगे साथियों। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको देगा डायग्राम बेस्ड। पूछेगा ये डायग्राम जो है, ये क्या डायग्राम है, इस डायग्राम का नाम बता दीजिए। तो साथियों ये क्या हो जाएगा? रेप्स कट फाइल डायग्राम ये आपको दिखाया गया है। इसमें डायरेक्ट फिगर देख करके नाम पहचानना है, तो क्या हो जाएगा? रेस्प कट फाइल ये आपको इंडिकेट किया गया है साथियों। आगे हम सब अगर बढ़ें, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक आपका होता है गैर परंपरागत ऊर्जा और दूसरा होता है परंपरागत ऊर्जा। गैर परंपरागत ऊर्जा इसमें देखिए बोला है क्या हो जाएगा, इसमें दिया है पेट्रोल डीजल कोयला पावर। ये अगर बात करें पेट्रोल डीजल कोयला, ये जो आपका होता है परंपरागत ऊर्जा होता है साथियों, परंपरागत ऊर्जा होता है। अगर हम पवन की बात करें, ये क्या होता है? गैर परंपरागत होता है, गैर परंपरागत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पवन हो जाएगा। अब हम यहां से कोयला की बात करें, कोल की बात करें साथियों, कोल पूछेगा कितने टाइप्स के कोल होते हैं इंडिया में। बात करें कोल, कोल 4 तरह का होता है। पहला क्या हो जाएगा साथियों? एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। और दूसरा क्या हो जाएगा साथियों? बिटुमिनस, बिटुमिनस। CBT-2 में भी पूछ सकता है साथियों, और CBT-1 में भी पूछ सकता है, और CBT-3 में भी पूछ सकता है। देखिए क्या पूछेगा, अब पूछेगा एंथ्रासाइट में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। ये मोर देन कितना हो जाएगा? 90% आपका कार्बन होता है एंथ्रासाइट में। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा इंडिया में सबसे ज्यादा कौन आपका कोयला रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। ये क्या हो जाएगा? बिटुमिनस। सुपीरियर कोल इंडिया में होता है, लेकिन पूछेगा सबसे सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल क्या होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा कौन परसेंट रहता है? ये हो जाएगा आपका बिटुमिनस। और तीसरा नंबर का एक होता है लिंगनाइट, लिंगनाइट। और पूछेगा सबसे खराब कोल कौन होता है, सबसे लो ग्रेडेड कोल, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? पीट हो जाएगा। पीट जो है क्या होता है? सबसे लो ग्रेडेड कोल होता है। अगर हम बात करें इतना से एक क्वेश्चन में, इतना आपको याद रखना है। बहुत अच्छा साथियों, 90% आपका होता है किसमें? एंथ्रासाइट में। लेकिन इंडिया में एंथ्रासाइट नहीं होता है, इंडिया में क्या मिलता है ज्यादातर? बिटुमिनस। अब पूछेगा इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में सबसे ज्यादा अभी किसके द्वारा हम जनरेट करते हैं? कोल से करते हैं, डीजल से करते हैं, पेट्रोल से करते हैं, या वाटर से करते हैं, किससे करते हैं वो बता दीजिए साथियों। अगर हम इंडिया में पावर पावर जनरेशन की बात करें, पावर जनरेशन की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा जो है 60% के आसपास हम सब थर्मल से जनरेट करते हैं। किससे साथियों? थर्मल पावर प्लांट किसके बेस्ड ऑन होता है साथियों? ये आपका कोल पे बेस्ड होता है। इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी हम सब यूज करते हैं साथियों, उसका 60% हम सब थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करते हैं साथियों, कोल। अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, सभी साथियों बनाने का कोशिश करेंगे। देखिए क्या दिया है इसमें, आपको वोल्टेज दे दिया है साथियों। कितना दिया है? 230 वोल्ट। और एसी दे दिया है, एसी है। और क्या दिया है? आई दे दिया है। कितना? 5 एम्पियर दिया है। अब इसमें जो है आपका एंगल दे दिया है, वी और आई के बीच में एंगल जो दिया गया है वो जो है 30 डिग्री दे दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि
डिग्री के लैग इसमें कंडीशन भी दे दिया है कैसा है लैग है, तो आपके माइंड में डायरेक्ट आ जाना चाहिए लैग दे दिया तो कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। अब जैसे ही आ जाएगा अब आपको पूछ रहा है कि इसमें पावर कितना होगा वो निकालना है, पावर निकालना है तो पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है साथियों, पावर निकालने के लिए लैग पूछा है वी इंटू आई कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस नहीं साइन हो जाएगा, क्यों लैगिंग पूछा है, अगर लीडिंग रहता तब क्या लगाते कॉस थीटा लगाते, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे साइन थीटा लगाएंगे। अब देखिए कितना है वी का मान कितना है 230 वोल्ट है, आई का मान कितना है 5 एम्पियर है, साइन का मान कितना है 30 डिग्री, साइन 30 को कितना होता है साथियों 1/2 होता है, अगर हम काटा है तो ये कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा, 5 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 25 के 5 हाथ में रल दो 5 एकम 5 5 दो कितना हो जाएगा 7 5 कितना हो जाएगा 575 यूनिट, देखिए क्या दिया है यूनिट क्या दिया है वी ए आर, अगर इसको के वी आर में देता तो क्या होता पॉइंट आ जाता, लेकिन क्या हो जाएगा आंसर आपका ये हो जाएगा 575 वी ए आर, आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा साथियों आंसर हो जाएगा ए। चलिए इसी तरीके से लगना है, ये आपका स्पेशल संडे है इसको मिस नहीं होने देना है साथियों। आगे हम सब बढ़े क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम सब आ गए हैं इसमें प्लेटफॉर्म संख्या 18 पे, प्लेटफॉर्म संख्या 18 पे देखिए क्या बोला है, सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को डैश परिवर्तित किया जा सकता है, अगर सपोज डेट कोई पाइप है साथियों इसमें आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है इसके प्रवाह को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम यहाँ जो पाइप जो बाहर निकल रहा है इसको अगर हम दबा दें आकार को चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा इसके द्वारा जो फ्लो हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। देखिए क्या दे रहा है, इनपुट वोल्टेज को परिवर्तित करके कर सकते हैं साथियों, नहीं कर सकते हैं, बल्ब को नियंत्रित करके नहीं, बल्ब को भी नहीं कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित कर, फ्रीक्वेंसी को तो चेंज करेंगे नहीं, हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ज होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब बोल रहा है पाइप के आकार को कम करके इसके हम क्या कर सकते हैं इसमें परिवर्तन ला सकते हैं साथियों, तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे हम सब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब आ गए हैं 19 पे, देखिए 19 में दिया है आपका यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि जब रोटर रेजिस्टेंस जो है आर आर ये बराबर है यह आपका बराबर है किसका आर ये इम्पीडेंस का दिया हुआ है प्रतिघात का, अगर दोनों बराबर है उस कंडीशन में जो आपका है स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है साथियों मैक्सिमम होता है, जब दोनों बराबर हो जाए रोटर रेजिस्टेंस और रोटर प्रतिघात इम्पीडेंस दोनों अगर बराबर हो जाए उस कंडीशन में इंडक्शन मोटर में जो है स्टार्टिंग टॉर्क जो है साथियों स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है मैक्सिमम हो जाता है, क्या हो जाएगा साथियों मैक्सिमम हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर अधिकतम हो जाएगा, किस कंडीशन में हो रहा है जब रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाए रोटर इंपीडेंस का उस कंडीशन में इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है साथियों हाई हो जाता है। अब पूछेगा इंडक्शन मोटर किस पे ऑपरेट होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे आपका ऑपरेट होता है साथियों, क्या हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होता है कौन इंडक्शन मोटर। आगे हम सब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 20 नंबर पे आ गए हैं, 20 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन है साथियों आपका दिया गया है कि कवच युक्त केबल से क्या लाभ है, हम सब जो जैसे वायर है इस वायर के ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं, ये कवर चढ़ाने का क्या कारण है इसका जो है क्या एडवांटेज है वो बता रहा है। अब इसमें बोल रहा है कि यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रखता है, दूसरा बोल रहा है इसे आसानी से मुड़े हुए रास्ते गुजारा जा सकता है, इसमें उच्चतर विद्युत रोधन होता है या उच्च वोल्टेज को बनाए रख सकता है, ये किसके बात कर रहा है साथियों, इसमें बोल रहा है जब हम केबल लगा देंगे तब, तो इसमें देखिए क्या होता है जब केबल से क्या होता है इसके अंदर में जो वायर जाता है इससे क्या होता है करंट वोल्टेज पास कराते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा बनाए रखे ये कभी इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे कभी इसको टच कर ले तो ये क्या करेगा इसे बचाने का काम करता है, क्या करता है बचाने का काम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों आंसर आपका हो जाएगा ए। अगर हम यहाँ से बात करें इंसुलेशन रेजिस्टेंस,
इंसोलेशन रेजिस्टेंस का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है आप सब भी लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर हम इसका प्रॉपर्टीज की बात करें साथियों, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है साथियों इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। आप पूछेगा इंसोलेशन रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, इंसोलेशन रेजिस्टेंस को मेगा ओम में मेजर करते हैं साथियों, और इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मेगर। पूछेगा इंसोलेशन रेजिस्टेंस का टेस्ट हम किससे करते हैं, मेगर से करते हैं। अब पूछेगा इंसोलेशन रेजिस्टेंस का जो है रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है साथियों, रेजिस्टिविटी हाई होता है। इंसोलेशन रेजिस्टेंस का पूछेगा टेम्परेचर कोफिशियंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशियंट तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है साथियों, किसका, ये आपका हो जाएगा इंसोलेशन रेजिस्टेंस का। इतना आपको एक क्वेश्चन में रखना है साथियों। आगे हम सब बढ़ें सी नहीं ए हो जाएगा साथियों, इसमें उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है कौन, इंसोलेशन, केबल युक्त इंसोलेशन। सी वाला इसमें ये जो है ना इंसोलेशन प्रतिरोध को बनाए रखने के लिए बोल रहा है। इंसोलेशन प्रतिरोध कब होगा, इसमें वोल्टेज, इसमें किसका इस्तेमाल, ये हाई वोल्टेज जो है इसमें प्रभाव को बनाए रखता है ना साथियों, इसमें इंसोलेशन रेजिस्टेंस नहीं होगा, इसमें बोल रहा है हाई प्रभाव को बनाए रखता है, किसमें, इंसोलेशन रेजिस्टेंस तो ये कवरिंग का काम करता है। ये पूछे उसके अंदर में जो है वो क्या काम करता है, वो बोल रहा है साथियों। आगे हम सब देखें, आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 21 नंबर में, बोल रहा है कि मोटर का कौन सा भाग इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है। अगर कोई मोटर दे देगा उसमें पूछेगा कि ये कैसे आपको बताना है कि आपका डीसी मोटर है, तो क्या चेक कीजिएगा, डीसी मोटर में आपको क्या चेक करना है साथियों, अगर स्टार्टर हो जाए, स्टार्टर ये आपका, ये तो सभी में लगभग सब में होता है, फ्रेम भी होता है, शाफ्ट भी होता है, लेकिन अगर कम्यूटेटर की बात करें, कम्यूटेटर जो है ये आपको डीसी मोटर में देखने के लिए मिलेगा साथियों, किसमें, डीसी मोटर में। अब पूछेगा कम्यूटेटर क्या काम करता है, अब पूछ देगा कम्यूटेटर जो है ये आपका, ये कम्यूटेटर जो है रेक्टिफायर के तरह काम करता है साथियों, किसका, रेक्टिफायर। पूछेगा रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है, और ये दो तरह का काम करता है, एक करता है रेक्टिफायर, दूसरा करता है इन्वर्टर। ये क्या काम करता है, मैकेनिकल इन्वर्टर की बात करें, ये जो है ये आपको जो है डीसी को एसी में चेंज करने का काम करता है। ये दोनों काम है किसका साथियों, ये आपका कम्यूटेटर का काम समझ में आ गया साथियों। अब पूछेगा डीसी मोटर दे दिया है तो पहचानेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखना है, कम्यूटेटर को देखना है साथियों, क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर। आगे हम सब बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्पीड पूछा है, ns बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 120 f बाय में क्या होता है p, आपको क्या बोला गया है निकालने साथियों, p निकालने बोला गया है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया है, आपके क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50 हर्ज, और क्या दिया गया है, ns दे दिया है कितना, 750 rpm, और कुछ दिया गया है, नहीं दिया है, आपको निकालना क्या है, पी निकाल के बताइए कितना होगा, पहला में 8 है, दूसरा में 6 है, तीसरा में 4 है, चौथा में 2 है, सभी साथियों बनाइए यहां से, अगर हमको पी निकालना है तो क्या हो जाएगा, 120 एफ बाय में कितना हो जाएगा, 750, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना आता है, तब तक पानी पीते हैं। चलिए बहुत साथियों का आ गया है इसमें, हाँ 8 आ जाएगा, देखिए बहुत साथियों का, सुनील जी का आ गया है, मिथिलेश जी का आ गया है, पारुल जी का आ गया है, देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए कितना है 120 और एफ कितना दिया है 50, अगर यहाँ से कितना हो जाएगा 750, देखिए ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 5 के टेबल में 15 बार में कट जाएगा, 15 8 है कितना हो जाएगा 20, तो 8 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 8 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बनाइएगा, अब यहां से बताइएगा ns क्या होगा, जब आपका ns क्या होगा, जब फ्रीक्वेंसी आपका दे दिया है 60 हर्ज और p दे दिया है कितना साथियों, 2 दे दिया है, अब बताइएगा इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा साथियों। अगर हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें इसमें कितना हो जाएगा, ये कमेंट करके बताइएगा साथियों, कब, जब नंबर ऑफ पोल 2 है,
फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ज है, तब इसका सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा वो निकाल के बताना है साथियों। आगे हम सब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम सब आ गए हैं प्लेटफॉर्म संख्या 23 में। प्लेटफॉर्म संख्या 23 में देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर जो है मोटर का आवश्यक भाग नहीं है। अगर हम मोटर की आवश्यक भाग की बात करें, परिचालन ये जो आपका है, ऑपरेटिंग टॉर्क जो है ये आपका है, ब्रेकिंग ब्रेकिंग सिस्टम ये भी है, रेगुलेशन रजिस्टर सिस्टम भी है, लेकिन आपका क्या है ये आपका इंडक्टिव पिकअप ये आपका नहीं है। किसका भाग नहीं है, ये आपका मोटर का भाग नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा सी। ये सब क्वेश्चन को देख के ही ये टिक आउट कर देना है साथियों। आगे बोल रहा है डेल्टा कनेक्शन में, देखिए एक क्वेश्चन आपका होता है, एक कनेक्शन आपका होता है डेल्टा, दूसरा आपका कनेक्शन क्या होता है स्टार, दोनों को वन बाय वन करके देख लेते हैं साथियों। अब बोल रहा है डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, लाइन वोल्टेज वी एल बराबर क्या हो जाता है साथियों, वी फेज हो जाता है। अगर वी फेज हो जाता है, अगर हम बात करें किसका, अब इसमें करंट की बात करें, भी करंट आई एल जो है डेल्टा में आई एल बराबर हो जाएगा रूट थ्री आई फेज का। पूछा क्या है वोल्टेज, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे किसमें, स्टार में, स्टार में करेंगे तो क्या हो जाएगा आई एल बराबर हो जाएगा आई फेज का, और क्या हो जाएगा वी एल बराबर हो जाएगा रूट थ्री वी फेज। इस तरीके से इसको भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या बोला है, डेल्टा कनेक्शन दिया है, आंसर क्या हो जाएगा लाइन वोल्टेज बराबर होता है वोल्टेज का, आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा ए। एक क्वेश्चन पूछे थे अभी दे दिए हैं, सुनील जी जवाब दे दिए 3600, पारुल जी दे दिए हैं जवाब, चलिए बहुत अच्छा है 3600 होगा। कैसे 120 इंटू एफ कितना है 60 हर्ज है, बाय में कितना हो जाएगा, बाय में 2 दिए थे, कितना हो जाएगा साथियों ये 30 हो जाएगा, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 10 यहाँ 10 यहाँ 20 लगा दीजिएगा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आरपीएम में कितना हो जाएगा 3600 आरपीएम में आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए ये किसके लिए होगा, लाइन वोल्टेज बराबर है फेज वोल्टेज, ये किसके लिए, किसके लिए हो जाएगा, ये आपका स्टार कनेक्शन के लिए हो जाएगा, लाइन वोल्टेज बराबर रूट थ्री फेज वोल्टेज। आगे हम सब बढ़े हैं, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं आपका, देखिए आगे क्वेश्चन हम सब आ गए हैं प्लेटफॉर्म संख्या 25। देखिए 25 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है। अगर हम बात करें लाइन वोल्टेज का, ये आपका आर फेज हो गया, वाई फेज हो गया, ये आपका आर वाई बी, ये आपका फेज वोल्टेज है। अब क्या बोल रहे हैं लाइन वोल्टेज क्या होता है, और यहाँ से आपका एक वाट जाता है ग्राउंड। अगर हम ये आर फेज ये वाई फेज सपोज इट यहाँ से मान लेते हैं, ये आपका आर है, वाई है, ये आपका बी है। अगर ये दोनों वोल्टेज का अगर हम लेंगे, दोनों के बीच का जो वोल्टेज हो जाएगा साथियों, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। और एक आपका फेज है, दूसरा न्यूट्रल है, इसके बीच का जो वोल्टेज हो जाएगा इसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज। क्या बोलेंगे साथियों, फेज वोल्टेज। अब यहां से पूछता है, हम सबके घर में जो कनेक्शन आता है वो ट्रांसफार्मर के बाद का जो कनेक्शन क्या होता है, वो आपका क्या होता है डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कनेक्शन प्रीफर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में, तो डेल्टा से स्टार करते हैं, क्यों करते हैं। अगर हम डेल्टा को उधर करेंगे तो क्या होगा, हमको जो ये न्यूट्रल मिलता है साथियों, न्यूट्रल नहीं मिल पाएगा, किस में नहीं मिल पाएगा, डेल्टा में नहीं मिलेगा। लेकिन हम स्टार कर देंगे तो स्टार में हमको न्यूट्रल में मिल जाएगा। इसीलिए देखते हैं जहां आपका ट्रांसफार्मर लगा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में, वहां पे आपका जो है ये चार लाइन जाता है, एक लाइन आपका आर फेज वाई फेज आर वाई बी फेज हो जाएगा, और एक हो जाता है न्यूट्रल। अगर किसी एक को लेना है या आपका कंज्यूमर को लेना है तो एक आपका फेज ले लेता है, एक न्यूट्रल ले लेता है। अगर कोई बिग कंज्यूमर है उसको डायरेक्ट दे दिया जाता है आर वाई बी, तीनों फेज दिया जाता है उसको, उसको लाइन वोल्टेज दिया जाता है, क्योंकि उसका पावर का डिमांड जो है क्या होता है साथियों, ज्यादा होता है। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम सब बोलेंगे लाइन वोल्टेज। इस तरीके से क्लास समझ में आ रहा है साथियों, इस तरीके से आगे हम सब बढ़े हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है त्वरित आघात, आयरन जो है
आपका इलेक्ट्रिक आयरन सुरक्षा करने के लिए सुरक्षात्मक उपकरण क्या है वो आपको बता रहा है साथियों। अगर सुरक्षा की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका त्वरित रोधन हो जाएगा, इंसुलेशन हो जाएगा। त्वरित रोधन का इस्तेमाल किस में करते हैं साथियों, हम सब त्वरित आघात से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं साथियों। आगे हम सब बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर और बात करें तो हम सब आ गए हैं 27। देखिए 27 में क्या है, बोल रहा है मोटर में जो है अस्थैतिक आवृत्ति परिवर्तक स्टेटिक फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या काम है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी चेंजर का, अगर हम बात करें ये जो क्या करता है, पहला दिया है शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को नियंत्रित करता है, या गति विनिमयक प्राप्त करता है, या शीतल कूलिंग को काम करता है, या दिक उत्क्रमक को काम करता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें साथियों, इसका फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी जो है अभी जस्ट हम सब देखे एनएस बराबर क्या होता था, एनएस बराबर 120 इंटू एफ बाय में पी। फ्रीक्वेंसी क्या करता है, ये स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, स्पीड को कंट्रोल करने का काम करता है कौन, ये आपका फ्रीक्वेंसी। आगे हम सब बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया है इसमें बूस्ट चार्जिंग डैश को चार्ज करने की प्रक्रिया है। अब बोल रहा है लंबे समय तक उच्च धारा प्राप्त करना, कम समय तक निम्न धारा प्राप्त करना, कम समय तक उच्च धारा प्राप्त करना, लंबे समय तक निम्न धारा प्राप्त करना, किसके लिए बोल रहा है साथियों, बूस्ट चार्जिंग की अगर हम बात करें। बूस्ट चार्जिंग ये क्या करता है, कम समय तक हाई करंट को क्या करेगा, बनाए हुए रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आपका हो जाएगा कम समय तक उच्च धारा को बनाए हुए रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। आगे हम सब बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को कॉपर केबल से इसमें ज्वाइंट करना है। जो साथी शुरू से जुड़े होंगे वो जरूर जवाब दे देंगे। अब बोल रहा है कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बताए थे अगर हम कॉपर, एक आपका एल्युमिनियम कंडक्टर है दूसरा कॉपर है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे साथियों उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बाय मेटालिक केबल का यूज करते हैं साथियों। किसका, बाय मेटालिक केबल लग्स। इसका इस्तेमाल किस में करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर को कॉपर बस बार से कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, बाय मेटालिक केबल लग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब पूछेगा एल्युमिनियम का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। आप सभी साथियों बताइएगा, सोनू जी दे दिए हैं डी हो जाएगा, बहुत अच्छा, सुनील जी दे दिए हैं डी हो जाएगा, पारुल जी दे दिए हैं डी हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है ये जो एल्युमिनियम का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में जो करते हैं वो कंडक्टर क्या होता है, ACSR होता है। अब सभी साथियों बताइएगा ACSR का क्या फुल फॉर्म होता है, वो सभी साथियों बताइएगा ACSR का क्या होता है। अगर हम बात करें डेली क्लास ये नहीं चलता है साथियों, ये जो आपका है स्पेशल संडे में टेक्निकल का क्लास होता है, क्योंकि डेली में जो है आपका मंडे से लेकर के सैटरडे तक आप CBT 1 का तैयारी करते हैं, जो कि वो अगर क्वालिफाई कीजिएगा तब इसमें आइएगा, वो क्वालिफाई कीजिएगा, ये जो है ये आपका स्पेशल संडे में आपका क्लास चलता है इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है आपको 11 बजे से पूरा एक चैप्टर, एक 75 क्वेश्चन का जितना भी सीरीज है सबको सॉल्व कराने का कोशिश करते हैं हम सब, और आप सबका प्रयास से हम सब यहाँ से जुड़ते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। आप सब जवाब नहीं दिए हैं जो पूछे हैं ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों। अगर हम बात करें ACSR का तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये आपका क्या हो जाएगा ACSR कंडक्टर। अब पूछेगा इसमें
एल्युमिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसमें स्टील का इस्तेमाल क्यों करते हैं? स्टील का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए साथियों, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि एल्युमिनियम जो है क्या होता है, बहुत ही लचीला होता है, आसानी से टूट जाएगा, इसीलिए जो टूटे नहीं वो स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करे, इसीलिए हम सब किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का इस्तेमाल करते हैं साथियों, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए। आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आपका डी हो जाएगा, 4 नंबर। आगे हम सब 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अभी जस्ट वो क्वेश्चन आ गया, इससे पहले क्वेश्चन किए थे स्टार डेल्टा में। अब क्या बोल रहा है, स्टार डेल्टा मोटर में प्रवर्तन धारा स्टार्टिंग करंट क्या होता है? स्टार्टिंग करंट जो है साथियों स्टार डेल्टा में, किसमें बोल रहा है, स्टार डेल्टा में जो है ना करंट जो है आई क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है, क्या हो जाएगा, 1/3 कम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आपका हो जाएगा बी। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 31 में कि दिए गए आउटपुट और गति के लिए एक सर्व विद्युत मोटर, जिसको यूनिवर्सल मोटर बोलते हैं, जिसमें कितना दे दिया है, 220 वोल्ट 50 हर्ज की आपूर्ति को, आपूर्ति की तुलना में डैश की आवश्यकता होगा, क्या होगा। अब पहला दिया है निम्न आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, उच्च आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज, निम्न आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज, उच्च आवृत्ति पर निम्न वोल्टेज, ये आपका यूनिवर्सल मोटर की बात हो रहा है साथियों। अगर हम बात करें यहां से कितना दे दिया है, 220 वोल्ट दिया है साथियों, और क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया, वोल्ट दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है कितना, 50 हर्ज दिया है। ये किसके लिए बात कर रहा है, यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। अगर हम यूनिवर्सल मोटर की बात करें, इसको हम किस पे ऑपरेट करा सकते हैं, एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट करा सकते हैं, लेकिन नोट करके यहाँ पे लिखिएगा, नोट करके, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया यूनिवर्सल मोटर कौन मोटर होता है, यह आपका सिंगल फेज एसी मोटर होता है साथियों, क्या हो जाएगा, एसी मोटर होता है, लेकिन ऑपरेट पूछेगा किस पे होता है, एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे होता है। अब पूछेगा इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क अगर पूछेगा, टॉर्क क्या होता है यूनिवर्सल मोटर का, स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। अगर हम बात करें आंसर का तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी, लो इसमें अगर हम बात करें किसका, यूनिवर्सल मोटर में ये हो जाएगा लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, लो होता है, और यहाँ से वोल्टेज क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी क्या हो जाएगा साथियों, लो हो जाएगा। अगर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन में आपको इतना देखना है साथियों। आगे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एसी डीसी दोनों पे होता है, और ये बात करिए कैसा होता है, ये सिंगल फेज मोटर का ये टाइप होता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है सुरक्षा के लिए आई रूल के नियम अनुसार आपका फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हो सकता है, वेरिएशन हो सकता है इंडिया में, वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन इंडिया में अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी आपका 3% चेंज हो सकता है साथियों, कितना, 3%। अगर यही से वोल्टेज पूछता है कितना परसेंट चेंज हो सकता है, वोल्टेज आपका 5 से 5 to 6% आपका चेंज हो सकता है साथियों, 5 से 6%। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी आपका कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अब यहीं से बता दीजिएगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ज होता है साथियों। और पूछ लेगा फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, दूसरा यूनिट सेकंड, सेकंड इनवर्स हो सकता है साथियों, सेकंड इनवर्स भी किसका यूनिट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर हम सब बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब आ गए हैं 33 में। आप बोल रहा है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर किसके लिए रास्ता प्रोवाइड करता है, वोल्ट मीटर ये सोर्स होता है, वोल्टेज जो है ना वोल्टेज के ही वजह से क्या होता है, करंट होता है साथियों, क्या होता है, करंट होता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, करंट को जो है, करंट को ये आपका क्या करता है, लो, ये आपको क्या करेगा, लो करंट पास करने देगा साथियों, लो करंट को ये पास करने देता है, कौन, वोल्ट मीटर। अगर हम बात करें वोल्ट मीटर किसको मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। अब पूछेगा वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं साथियों, पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। अब बात करें एक होता है आपका फ्यूज, अगर हम बात करें फ्यूज, फ्यूज की बात करें साथियों,
पूछेगा फ्यूज का रेटिंग किस में होता है, फ्यूज की रेटिंग की अगर हम बात करें एम्पियर में होता है। अब पूछेगा एक फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, फ्यूजिंग फैक्टर 1. ये जो है फ्यूजिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है साथियों, क्या होता है फ्यूजिंग फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है, 1.5 के आसपास होता है फ्यूजिंग फैक्टर। अब ये जो फ्यूज जो है किस में लगा होता है, ये आपका सीरीज में लगा होता है साथियों। सीरीज में क्या लगाता है, फ्यूज को हम किस में लगाते हैं, सीरीज सर्किट में लगाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम धारा को प्रोवाइड कराने का काम करता है वोल्ट मीटर। आगे हम सब बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज में हम लगाते हैं क्या साथियों, फ्यूज लगाते हैं फ्यूज का। आगे हम सब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका, देखिए बोले थे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायग्राम बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है ये जो आपको किसको इंडिकेट करता है, पंखा को इंडिकेट करता है, नहीं पंखा तो एयर नीचे की ओर होता, ये तो नहीं होगा। अब बोल रहा है चीलर, चीलर भी तो नहीं होगा, हीटर हो जाएगा। क्या होता है साथियों, हीटर जो जलाते हैं वो क्या करता है, हवा, गर्म हवा को बाहर फेंकने का काम करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हीटर हो जाएगा। आगे हम सब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 35 में, बोल रहा है किसी द्विधात्विक पट्टी के लिए तापमान की सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें टेम्परेचर को परिवर्तन करने की बात कर रहा है साथियों, टेम्परेचर इसमें देखिए क्या है, टेम्परेचर सेटिंग को कैसे परिवर्तित किया सकता है। पहला बोल रहा है करंट को चेंज करके, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके, इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को चेंज करके, दूसरा दिया है हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके। अगर हम बात करें किस में, बायमेटालिक पट्टी के लिए, तो किसके लिए करेंगे, इसमें हम सब हीटिंग एलिमेंट के पास और दूर करके हम इसका टेम्परेचर में चेंज ला सकते हैं। हीटिंग एलिमेंट जैसे ही आ गया, हीट का फॉर्मूला जानते हैं आप सब क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। अब पूछेगा हीट का यूनिट क्या हो जाएगा साथियों, हीट का यूनिट हो जाएगा जूल। अगर हम बात करें हीटिंग एलिमेंट, अगर पूछ लेता यहाँ से फिलामेंट, फिलामेंट में किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों, फिलामेंट में तो क्या हो जाएगा, इसमें हम सब इस्तेमाल करते हैं टंगस्टन का, टंगस्टन। अब हीटिंग में, यहाँ हीटिंग का बात हुआ, इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं साथियों, किसका, नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। पूछेगा क्यों करते हैं नाइक्रोम का, क्योंकि इसका जो है नाइक्रोम का जो है इसका टेम्प रेजिस्टेंस क्या होता है साथियों, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हाई होता है, इसीलिए हम सब इसको जो है हीटिंग एलिमेंट में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन देखने के लिए ज़्यादा होता है। अब जैसे ही टेम्परेचर आ गया, अब पूछेगा टेम्परेचर, टेम्परेचर के अगर हम यूनिट की बात करें क्या हो जाएगा साथियों, केल्विन हो जाएगा। अगर सीजीएस यूनिट की बात करें क्या हो जाएगा, ये सेल्सियस हो जाएगा। अब पूछेगा यहाँ से सेल्सियस और आपका केल्विन जो है ये दोनों में डिफरेंस कितना होता है, 273.15 आपका ये इतना का चेंज आता है देखने के लिए आता है साथियों। आगे हम सब बढ़ें नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गए हम सब 36 नंबर में। क्वेश्चन 36 में देखिए क्या बोल रहा है, किसी वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है साथियों। पहला दिया है अर्ध गोलाकार हाफ राउंड, इसी का हम सब इस्तेमाल करते हैं साथियों, किसका, अर्ध गोलाकार रेती जिसको हाफ राउंड फाइल कहते हैं, इसके द्वारा हम सब क्या करते हैं, वृत्ताकार छिद्र को परिष्कृत करने के लिए उपकरण का इस्तेमाल करते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका दिया है स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर जब सही ढंग से कार्य करता है तो किस में करेगा, जब ये आपका बैलेंस कंडीशन में होगा तब क्या करेगा साथियों, ये स्टार टू स्टार आपका ट्रांसफार्मर यूज करेगा। अब पूछेगा यहाँ से ट्रांसफार्मर का रेटिंग किस में होता है साथियों, केवीए में रेटिंग होता है। एक आपका होता है करंट ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इससे हम क्या मेजर करते हैं साथियों, हाई करंट को मेजर करते हैं, इससे क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को मेजर करते हैं साथियों, किसको, हाई वोल्टेज को मेजर करते हैं, ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से या वोल्टेज ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर से हाई करंट को मेजर करने का काम करते हैं साथियों। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 250 वोल्ट है कि अधिकतम वोल्टेज पर कैपेसिटिव एक प्रणाली के लिए न्यूनतम इंसुलेशन रेजिस्टेंस, किसका बात हो रहा है साथियों, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, मेगा ओम में होता है, तो कितना हो जाएगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, 25 मेगा ओम के आसपास होता है साथियों, किसके लिए, 225 वोल्ट के लिए। आंसर क्या हो जाएगा साथियों,
25 मेगा ओम। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है प्लेटफॉर्म संख्या 39 पे, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए नहीं किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में थ्री फेज थ्री वायर का इस्तेमाल करते हैं, थ्री फेज फोर वायर का इस्तेमाल करते हैं, थ्री फेज सिंगल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थ्री फेज फोर वायर का इस्तेमाल हम किस में नहीं करते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इस्तेमाल नहीं करते हैं साथियों। किसका? थ्री फेज, इसमें सिंगल फेज थ्री वायर का इस्तेमाल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं करते हैं साथियों। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, उसमें 25 मेगा ओम हो जाएगा सुनील जी। अब इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री है? इलेक्ट्रिक आयरन में जो हम सब किसका इस्तेमाल करते हैं साथियों, सबसे फेवरेबल इलेक्ट्रिकल में ज्यादातर यूज किसका करते हैं साथियों? माइका का इस्तेमाल करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन है, ओम का नियम लागू किया जा सकता है। ओम का नियम क्या होता है? वी बराबर क्या होता है साथियों? आई इंटू आर। अब यहां से पूछेगा आई बराबर क्या हो जाएगा? वी अपॉन आर। हमको अगर यहां से आर निकालना है तो क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई। ये सभी आपका क्या है? ओम्स लॉ है साथियों। क्या है? ओम्स लॉ। अब पूछेगा ओम्स लॉ किस कंडीशन पे लागू होता है? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए साथियों। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ओम्स लॉ किस पे लागू होता है? ओम्स लॉ मेटालिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर पे आपका लागू होता है साथियों। अगर इसका पूछेगा ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है? ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है साथियों। क्या हो जाएगा? ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब बोल रहा है ये किसके लिए ओम का नियम लागू किया जा सकता है, किस पे? तो ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध पे लागू होता है साथियों। इसमें ये आपका रेक्टिफायर, दृष्टकारी रेक्टिफायर पे नहीं होता है, जीना डायोड पे नहीं होता है, ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, तो किस में होता है? रेजिस्टेंस में लागू आपका होता है ओम्स लॉ। आगे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है? 1 HP बराबर कितना होता है? 1 HP बराबर कितना होता है साथियों? ये आपका 746 वाट होता है। क्या हो जाएगा? 746 वाट। अब यहीं से पावर की अगर हम बात करें, पावर का यूनिट क्या क्या होता है, तो पहला यूनिट हो जाएगा वाट साथियों। अगर हम पावर की फॉर्मूला की बात करें, क्या हो जाएगा? वी इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर बाय में हो जाएगा आर। तीसरा पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। और एक फॉर्मूला होता है पावर का, ये क्या हो जाएगा? वर्क बाय टाइम। अगर यहाँ से यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगा साथियों? पावर का यूनिट हो जाएगा वाट। अगर दूसरा यूनिट पूछेगा पावर का, क्या हो जाएगा? जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ये सभी यूनिट किसका हो जाएगा? पावर का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से पूछेगा आपका कितना है 1 HP, तो कितना आंसर हो जाएगा? 746 वाट। अब यहाँ से बात करें पावर में, और अगर पावर का पूछ लेगा डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन की बात करें पावर का, तो क्या होता है? वर्क बाय टाइम। वर्क का डायमेंशन क्या होता है साथियों? ये होता है ML² T-2। अब टी नीचे है तो क्या हो जाएगा? ML² T-3 हो जाएगा। ये डायमेंशन किसका हो जाएगा साथियों? ये डायमेंशन हो जाएगा आपका पावर का। इस तरीके से एक क्वेश्चन में इतना धुआं धुआं कर देना है साथियों। आगे हम सब बढ़ें, आगे हम सब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, घरेलू वायरिंग एवं फोटो छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? MCV का इस्तेमाल करते हैं। पूछेगा MCV का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है साथ। ये क्या होता है? ये ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है साथियों। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। किसका इस्तेमाल करते हैं? MCV का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से शॉर्ट सर्किट होने में ज़्यादा से ज़्यादा करंट ग्राउंड हो जाए, उसके लिए हम सब इस्तेमाल करते हैं ELCB। अब पूछेगा इसका क्या फुल फॉर्म होता है साथियों? इसका हो जाएगा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अब पूछेगा OCB का क्या हो जाएगा? ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब पूछेगा इसमें ACB का क्या होता है? एयर सर्किट ब्रेकर। क्या हो जाएगा साथियों? एयर सर्किट ब्रेकर। अब नेक्स्ट क्या है? MCB, इसका OCB का हो गया, ACC का हो गया, MCV का हो जाएगा।
इसका क्या हो जाएगा, मोल्डेड 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 केबल सर्किट ब्रेकर, ये इसका क्या हो जाएगा, एमसीसीबी का हो जाएगा साथियों। इस तरीके से एक क्वेश्चन में इतना को करना है साथियों। आगे हम सब बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, किसी भी यंत्र को पावर लाइन से न्यूनतम कितनी दूरी पे रखा जाना चाहिए, तो कितना हो जाएगा साथियों, 10 फीट के न्यूनतम दूरी पे रखना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी। अब देखिए ये क्वेश्चन सिंबल कितना, तीन क्वेश्चन अभी तक हो गया है, तीन क्वेश्चन आपका किस पे है, सिंबल पे पूछ दिया है। ये सिंबल किसका दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलराइज कैपेसिटर का हो जाएगा। अब देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है आर। अब बैटरी का सिंबल क्या होता है, बैटरी का एक बड़ा टर्मिनल, दूसरा जो होगा ये डार्क होता है, ये हो जाएगा तीसरा टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में दोनों टर्मिनल क्या होता है, सेम होता है। अब पोलराइज कैपेसिटर क्या हो जाएगा, पोलैरिटी कैपेसिटर में एक ऐसे रहेगा, एक इस तरीके से रहेगा, तो ये हो जाएगा पोलराइज कैपेसिटर। अगर पूछेगा इंडक्टर का सिंबल क्या होता है, तो ये इंडक्टर का सिंबल हो जाएगा। अब पूछेगा दो फ्यूज का सिंबल क्या होता है, ये हो जाएगा फ्यूज का सिंबल। अब पूछेगा ट्रांसफार्मर का सिंबल क्या होता है, ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे हो जाएगा। इस तरीके से सिंबल का भी इस्तेमाल कर देना है। अगर बात करें ये किसका सिंबल होता है, ये आपका डायोड का सिंबल हो जाएगा साथियों, इस तरीके से। अगर नेक्स्ट इस तरीके से एक क्वेश्चन भी, क्वेश्चन बेस्ड भी क्वेश्चन आपका पूछ देता है साथियों। आगे अगर हम बात करें, इसमें दिया है इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं साथियों, किसमें, ये बोल रहा है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में जो हम सब इस्तेमाल करते हैं क्या हो जाएगा साथियों, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का हम सब इस्तेमाल करते हैं इंडक्शन मोटर में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखिए आ गए हैं, कितना क्वेश्चन नंबर आ गए हम सब 47 में। चलिए आप सब जल्दी जल्दी आइए, इससे क्या करेंगे अच्छे तरीके से फिनिश करें। अभी तो हम सब 47 पाए हैं, हम सबको कहाँ तक जाना है, हम सबको तो 75 तक जाना है साथियों। और देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा का मापन डैश द्वारा किया जाता है। धारा का मापन अभी जस्ट हम सब देखिए किसके द्वारा करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को, करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा हम सब हाई करंट को मेजर करने का काम करते हैं साथियों। अब देखिए आगे क्या दिया है, लैच लैच डैश सर्किट होते हैं। लैच की अगर हम बात करें, लैच क्या होता है साथियों, ये आपका लेवल ट्रिगर होता है साथियों। क्या होता है, लेवल ट्रिगर। अब देखिए अब बोल रहा है एन टाइप का जो अर्धचालक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को धुआं धुआं करते हैं, क्या है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर आपका एक होता है इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा हो जाएगा एक्सट्रांसिक, एक्सट्रांसिक सेमीकंडक्टर। अब ये क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है साथियों। क्या हो जाएगा, प्योर सेमीकंडक्टर। और ये क्या होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसमें इम्प्यूरिटी जो मिलाते हैं, वो इम्प्यूरिटीज क्या होता है, एक होता है साथियों पी टाइप, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसमें पूछ रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजोरिटी कैरियर क्या होता है, मेजोरिटी कैरियर। इसमें एन टाइप में मेजोरिटी कैरियर क्या हो जाएगा साथियों, एन टाइप में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर पूछता पी टाइप में क्या हो जाएगा, पी टाइप में आपका हो जाएगा होल्स। क्या हो जाएगा साथियों, होल्स। अब एक होता है डॉपिंग, पूछेगा डॉपिंग क्या होता है, डॉपिंग जो होता है इम्प्यूरिटी जो मिलाते हैं, इम्प्यूरिटी जो मिलाते हैं, इसी प्रोसेस को हम सब क्या बोलते हैं साथियों, डॉपिंग बोलते हैं, इम्प्यूरिटी जो मिलाते हैं डॉपिंग। अब पूछेगा पी टाइप में हम सब किसका इस्तेमाल करते हैं, पी टाइप में डॉपिंग का जो इस्तेमाल करते हैं साथियों, किसका करते हैं, इसमें ट्राईवायलेंट का इस्तेमाल करते हैं, ट्राईवायलेंट इम्प्यूरिटीज, ट्राईवायलेंट इम्प्यूरिटीज किसमें मिलाते हैं, पेंटावायलेंट में, आप पी टाइप में। अब एन टाइप में क्या मिलाते हैं, इसमें पेंटावायलेंट मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, पेंटावायलेंट। अब पूछेगा ट्राईवायलेंट में किसका किसका इस्तेमाल करते हैं, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, जेल गए 3 बार, इस तरीके से
इसमें हो जाएगा एल्युमिनियम, बेरिलियम, ये सब हम किस में मिलाते हैं, ये आपका पी टाइप में। अब पूछेगा ये नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पेंटा वायलेंट जो आता है किस में मिलाते हैं, एन टाइप में हम सब इम्प्योरिटीज को मिलाते हैं साथियों। आगे अगर हम बात करें तो पी टाइप में, हाँ पी टाइप में गैलियम हो जाएगा आपका, फास्फोरस हो जाएगा, ये सब मिलाते हैं ये एन टाइप में। और पी टाइप में मिलाते हैं ट्राईवैलेंट, बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, जेल गए तीन बार, वो सब किस में मिलाते हैं, पेंटावैलेंट में। आगे हम सब बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है 50 नंबर में, बोल रहा है कि थ्री फेज स्टार कॉन्फिग्रेशन में मोटर होते हैं क्या, इसमें क्या हो जाएगा, थ्री हॉट होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक आपका ग्राउंड वायर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आपका हो जाएगा डी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, अगर नेक्स्ट बात करें यहां तक हम हाफ पड़ाव को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिए हैं और आप सब अच्छे तरीके से जुड़े हुए रहे, जैसे सुनील जी हो गए, रेलवे वाला जी हो गए, और उसका मिथिलेश जी हो गए, इसी तरीके से हम सबको पेशेंस के साथ रहना है और इस बार परचम लहराने का काम करेंगे। पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, ये जो है आपका रेलवे धाम पटना का जो है टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, सोनू जी हैं सब जुड़े हुए हैं, और अब जो बचा हुआ है उसको भी अच्छे तरीके से फिनिश कर देंगे। और आप सब जो जुड़े हुए हैं, आप सबके मेहनत और जुनून के बदौलत जो है गारंटी का मतलब क्या हो पाया है साथियों, गारंटी मतलब सिर्फ और सिर्फ रेलवे धाम पटना हो पाया है। और इस बार जी तोड़ मेहनत करना है, इस बार एक सीट फिक्स कर लेना है साथियों। आगे हम सब बढ़ें, नेक्स्ट पड़ाव की ओर बढ़ें, देखिए नेक्स्ट पड़ाव की हम सब बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पड़ाव जल्दी इसको अच्छे तरीके से ख़त्म करके फिर दूसरे अच्छे तरीके से भिड़ेंगे। अब जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं स्कोर प्लस से जुड़ जाइए, और आप सबों के लिए दिन रात मेहनत यहाँ से चल रहा है साथियों। आगे की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट अगर हम सी यहाँ से बात करें कोर्स का, आप सबों के लिए प्रयास बैच लाया गया है, जो साथी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, सीबीटी वन और सीबीटी टू का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन यहां से हो जाएगा, मैथ का प्रॉपर क्लास आपको मिलेगा, साइंस का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, ट्रेड थ्योरी का, यहां से आपको अच्छे तरीके से वन बाय वन करके रेलवे धाम पटना के टीम के द्वारा, अच्छे फैकल्टी के द्वारा आपको यहां से प्रिपरेशन कराया जाएगा साथियों। आगे हम सब बढ़ें, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप बोल रहा है निम्न वोल्टेज वितरण लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सामान्यतः क्या होता है, अभी जस्ट हम सब चर्चा किए थे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है, डेल्टा रहता है, इसको चेंज करते हैं किस में, स्टार में करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल के कारण ही हम सब इस्तेमाल करते हैं डेल्टा टू स्टार में, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे हम सब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आपका दिया है स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीट एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा होता है, हीटिंग एलिमेंट की अगर हम बात करें क्या हो जाएगा साथियों, मीका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप हो जाएगा, इसमें हम सब हीटिंग आयरन में हीटिंग एलिमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं साथियों। नेक्स्ट आगे देखिए क्या दिया है, किसी हेलोजन फ्लड लैंप का वाइजर डैश से बना होता है, अगर हम वाइजर की बात करें वो किसका बना होता है, हेलोजन की अगर हम बात करें, हेलोजन ये किसका बना होता है, ये आपका ग्लास का बना होता है साथियों, किसका हो जाएगा, ग्लास का बना होता है। और ये जितने भी आपका ये सभी क्या है, ये आपका इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, रेजिस्टिविटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हाई होना चाहिए, ये सब कंडीशन होना चाहिए किसका, ये इंसुलेटिंग मटेरियल का। आगे अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, प्रतिरोध का मापन क्या जाता है, प्रतिरोध जो है साथियों ये रेजिस्टेंस आर है, इसका यूनिट की बात करें क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अब ये रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ओम मीटर में मेजर करते हैं साथियों, किस में हो जाएगा, ओम मीटर के द्वारा हम सब मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी। वोल्ट मीटर से किसको मेजर करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। आर मीटर से किसको मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, करंट को मेजर किस में करते हैं, आ मीटर में। अब वाट मीटर में किसको, पावर को मेजर करने का काम करते हैं साथियों, किसको, पावर को मेजर करने का काम करते हैं किस में, यह आपका हो जाएगा वाट मीटर। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है यहाँ आपका निष्क्रिय घटक नहीं है, पेसिव एलिमेंट आपका नहीं है, ये पूछ रहा है साथियों। पेसिव एलिमेंट, पेसिव एलिमेंट कौन नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा, डायोड नहीं है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होता है साथियों, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है फेराड, इंडक्टर का यूनिट क्या होता है साथियों हेनरी होता है। ये सभी आपका क्या होता है, पेसिव एलिमेंट में आता है साथियों, पेसिव एलिमेंट। अब पूछेगा पेसिव में और ए, एक आता है पेसिव या इसी को बोलते हैं लीनियर, लीनियर या बायलेटरल, ये क्या होता है, ये आपका हो जाएगा यूनिलेटरल, यूनिलेटरल। अब अगर हम बात करें, एक होता है वोल्टेज, दूसरा होता है करंट सोर्स, ये दोनों क्या होता है, ये आपका होता है एक्टिव एलिमेंट, क्या हो जाएगा साथियों, एक्टिव एलिमेंट। आगे हम सब बढ़े नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पीवीसी इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में जो है, इसमें पीवीसी इंसुलेशन इसमें का प्रयोग मुख्यतः क्या जाता है, किसमें करते हैं पीवीसी का इस्तेमाल, के अगर हम बात करें घरेलू, इसका इस्तेमाल करते हैं घरेलू एवं इंडस्ट्रियल वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं, किसका साथियों, पीवीसी का। पीवीसी का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, पीवीसी का क्या होता है, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक होता है वी आई आर, इसका क्या हो जाएगा साथियों, अगर हम इसका बात करें क्या हो जाएगा, वोल्केनाइज, वोल्केनाइज इंडियन, इंडियन रबर, ये क्या हो जाएगा साथियों, ये वी आई आर का हो जाएगा, ये पीवीसी का हो जाएगा। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे हम सब बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, बहुत अच्छा मिथिलेश जी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और सुनील जी दिए हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये बी दिए हैं पारुल जी, इसी तरीके से क्वेश्चन देते रहिए आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मोटर डैश मोटर को लीडिंग लोडिंग पर निर्भर करता है, लोडिंग पे अगर हम निर्भर कौन करता है, तो आपका हो जाएगा पावर फैक्टर, क्योंकि पावर फैक्टर का नेचर क्या क्या होता है, अगर हम बात करें नेचर का, एक हो जाएगा लीडिंग, एक हो जाएगा लीडिंग, दूसरा क्या होगा लैगिंग। लीडिंग कब होता है साथियों, लीडिंग होता है कैपेसिटिव में, ये किस में हो जाएगा, इंडक्टिव में, इंडक्टिव में। और यूनिटी पावर फैक्टर किस में होता है, अभी जस्ट हम सब देखे रेजिस्टिव में, रेजिस्टिव में क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, अगर एक सेट को कर लेते हैं तो बहुत सारा कंसेप्ट उससे क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है साथियों। आगे अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें ट्रांसफार्मर के डेल्टा टू डेल्टा संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, डेल्टा ट्रांसफार्मर, इसमें क्या बोल रहा है, डेल्टा से डेल्टा है, इसके लिए हम सब क्या करेंगे साथियों, उसके बारे में बताना है। डेल्टा टू डेल्टा जो करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे अनुप्रयोगों के लिए क्या जाता है, जहां वोल्टेज को स्टेप अप करने की आवश्यकता हो, जहां पे वोल्टेज को बढ़ाना है साथियों, वोल्टेज को स्टेप अप करना है, स्टेप अप करना है, उसके लिए हम सब किसका इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करेंगे। आप पूछेगा स्टार कनेक्शन का कहाँ करेंगे, स्टेप डाउन के केस में, स्टेप डाउन में स्टार कनेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर आपका टू हो जाएगा। आगे हम सब बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किस लैंप का कलर जो है ना, कलर रेडिंग CRI सर्वोत्तम होता है, तो सर्वोत्तम किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रदीप्ति लैंप या इनकैंडेसेंट लैंप का जो है ना, इसमें आपका कलर रेडिएटिंग सर्वोत्तम होता है, किसका, इनकैंडेसेंट लैंप का। अब LED का पूछेगा फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट, लाइट इमिटिंग, इमिटिंग डायोड। आप पूछेगा अभी जस्ट बताए थे सोडियम, सोडियम वेपर, वेपर लैम्प, ये कैसा कलर देता है साथियों, ये आपका कैसा कलर देता है, आपका येलो कलर देता है, क्या देता है, येलो कलर देता है, किस पे इफेक्ट होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट पे डिपेंड करता है साथियों। आगे अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त सुरक्षा प्रणाली जो किसी बिजली का झटका लगने पर ट्रिप हो जाता है, उसको हम सब क्या बोलते हैं साथियों, ट्रिप की अगर हम बात करें, इसमें
ये क्या हो जाएगा, ये आपका अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये क्या है, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त सुरक्षा प्रणाली है। अगर कहीं पे झटका लगता है तो ये ट्रिप हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा करंट किस में हो जाता है, ये ग्राउंड में पास होने लगता है साथियों। आगे बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोह चुंबकीय पदार्थ की बात करें, इसमें आपका तीन होता है, आयरन हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। क्या होता है, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्या हो जाएगा, लेड होगा, नहीं होगा, कॉपर होगा, नहीं होगा, प्लेटिनम नहीं होगा, तो क्या दिया हुआ है, निकेल। तो आंसर क्या हो जाएगा, निकेल आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आ जाएगा साथियों। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लैपटॉप बैटरी पैक बनाने के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है। हम सब जानते हैं लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम आयन का हम सब इस्तेमाल करते हैं साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से, किस मोटर द्वारा दी गई धारा उसके टर्मिनल पर आरोपित डैश स्टेटर की प्रतिबाधा द्वारा निर्धारित की जाती है। अगर हम इम्पीडेंस के द्वारा किसको इंडिकेट करते हैं, यहाँ से पहला दिया है वोल्टेज, बल, धारा, शक्ति, किसके लिए, ये आपका दिया गया है, मोटर का नाम बताना है, इसमें जो है इम्पीडेंस के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। इम्पीडेंस के द्वारा अगर निर्धारित किया जाता है, इसमें आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका वोल्टेज हो जाएगा। वोल्टेज हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है, V अपॉन जेड होता है, ये जेड ही आपका क्या है, जेड आपका इम्पीडेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए, वास्तविक मतलब रियल पावर, रियल पावर को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका, रियल पावर को ही और क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं, या इसी को ट्रू पावर बोलते हैं, ट्रू पावर। इसको किसके द्वारा मेजर करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा आपका, पावर फैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से हम सब मेजर करने का काम करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सर्वविदित यूनिवर्सल मोटर में सामान्यतः ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, तो ये आपका 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 2:1। चलिए कहाँ तक आ गए हैं हम सब, 65 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। सौर ऊर्जा का सिद्धांत जो है आपका फोटोवोल्टेइक प्रभाव पे आपका डिपेंड करता है। सौर ऊर्जा क्या होता है, सन से जो आपका एनर्जी आता है, सन से जो लाइट होता है, इसको हम सोलर पैनल के द्वारा जो एनर्जी को स्टोर करते हैं, ये आपका फोटोवोल्टेइक इफेक्ट पे इफेक्ट करता है साथियों। इसमें हम सिलिकन का इस्तेमाल करते हैं, किसका, सिलिकन, सिलिकन का इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। अगर नेक्स्ट की बात करें, देखिए क्या दिया है, 1.5 वोल्ट है, तो इसमें प्रयुक्त सेल क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा निकेल कैडमियम हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, निकेल कैडमियम बैटरी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस मीटर का उपयोग डीसी परिपथ में नहीं किया जा सकता है। डीसी परिपथ में हम किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, डीसी परिपथ में इंडक्शन मीटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं साथियों। क्या हो जाएगा, इंडक्शन मीटर का इस्तेमाल डीसी में नहीं करते हैं। आप बोल रहा है इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव है, इंडक्टिव है तो क्या हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। अभी जस्ट हम सब देखे लैगिंग इंडक्टिव किसके लिए होता है, इंडक्टिव के लिए, और यूनिटी क्या होता है, रेजिस्टिव के लिए, और ये क्या हो जाएगा, लैगिंग, लैगिंग आपका किसके लिए हो जाएगा, लैगिंग आपका कैपेसिटिव सर्किट के लिए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्या दिया है, इसमें बोल रहा है ईडी करंट लॉस का दूसरा नाम क्या है, ये इसका नाम है फोकाल्ट करंट नाम है साथियों। क्या हो जाएगा, फोकाल्ट करंट ईडी करंट का दूसरा नाम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सीआरओ में ज्यादातर
एक्वाडॉग कोटिंग का प्रयोग किसमें करते हैं? अगर हम सीआरओ की बात करें, ये किसमें हो जाएगा? अतिरिक्त उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? हम सब एक्वा कोटिंग का इस्तेमाल करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने का काम करें। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो है इसमें दिया है अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें की जाती है? अल्टरनेटर की रेटिंग अभी जस्ट हम सब देखे केवीए में होता है अल्टरनेटर की रेटिंग, और वाट किसका होता है? पावर का होता है, वाट हो जाएगा पावर का। अब एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है, करंट का क्या हो जाएगा? एम्पियर। वाट सेकंड किसका हो जाएगा? वाट सेकंड आपका एनर्जी का हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा वाट सेकंड। वाट सेकंड को ही क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। अब इस तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इंड पोल के बाद बढ़ाए गए केबल का उपयोग क्या है? इंड पोल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ये खंभे को झुकने से बचाने के लिए हम सब क्या लगाते हैं? इंड पोल। पोल के बाद बढ़ाए गए केबल का उपयोग है खंभे के झुकाव से बचाने के लिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें, देखिए हम सब आ गए हैं प्लेटफॉर्म संख्या 74 में। देखिए 74 में आपका दिया गया है, नेक्स्ट है आपका किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा निर्धारित की जाती है किसके द्वारा साथियों? आपका क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आप पूछेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो मोटर में करते हैं। किसमें? मोटर में करते हैं। आप पूछेगा जनरेटर में किसका इस्तेमाल करते हैं? जनरेटर में जो इस्तेमाल करते हैं साथियों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। आप पूछेगा लेंज लो क्या होता है? लेंज लो अगर हम बात करें लेंज लो का, ये क्या करता है? जिसके द्वारा प्रोडक्ट उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, उसी का अपोज करने का काम करता है साथियों। क्या होता है? अपोज करने का काम करता है। लेंज लो क्या होता है? ई इक्वल टू आप फॉर्मूला पढ़ेंगे एन डी फाइव अपॉन में क्या होता है? डी टी। यहाँ जो माइनस साइन लग जाता है यही लेंज लो को इंडिकेट करता है। आप पूछेगा लेंज लो किस पे बेस्ड ऑन होता है? लेंज लो, लेंज लो जो है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है साथियों। क्या हो जाएगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आगे हम सब बढ़े। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम सब आ गए हैं आज के अंतिम पड़ाव पे, और ये आपको सीरीज कैसा लगा? अब देखिए इसमें बोल रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में अचर हानि, अचर मतलब ये कांस्टेंट अचर हानि निर्धारित की जाती है किसके द्वारा? अचर हानि इसको हम सब बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है? ये आपका हो जाएगा भार रहित परीक्षण, जिसको हम बोलते हैं नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट किसके लिए करते हैं? कांस्टेंट लॉस के लिए करते हैं साथियों। किसके लिए? कांस्टेंट लॉस। पूछेगा कांस्टेंट लॉस कितने होते हैं? दो होता है, एक आपका क्या हो जाएगा? हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरा क्या हो जाएगा? ईडी करंट लॉस। ये दोनों को किसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं? नो लोड कंडीशन के द्वारा हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर पूछेगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो ट्रांसफार्मर में करते हैं उसके द्वारा हम क्या फाइंड आउट करते हैं? इसके द्वारा वेरिएबल लॉस को फाइंड आउट करते हैं। पूछेगा वेरिएबल लॉस में कौन आता है? वेरिएबल लॉस में आपका कॉपर लॉस आ जाएगा। कॉपर लॉस को इसमें किसके द्वारा फाइंड आउट करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा फाइंड आउट करते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस किस में होता है? कॉपर लॉस आपका फील्ड में होता है। किस में होता है? फील्ड में। अब पूछेगा फील्ड किसका बना होता है? ये कॉपर का बना होता है। अब पूछेगा ईडी करंट लॉस किस में होता है? आर्मेचर में आपका क्या होता है? ईडी करंट लॉस होता है। इस तरीके से जो है ये आपका जो है इस सेशन को अच्छे तरीके से आप सबके द्वारा इसके सपोर्ट किए हैं, और आप सब जो है आप सबों के लिए यहाँ से बेसिक साइंस का क्लास, रीजनिंग का क्लास और जनरल साइंस का क्लास, मैथ का क्लास प्रॉपर वे में, रेगुलर वे में लगाया जा रहा है, जो कि आपको रामबाण साबित होगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए। और ये आपका स्पेशल संडे में जो क्या है फीटर का क्लास हो रहा है, डीजल मैकेनिक्स का क्लास हो रहा है, अदर मैकेनिकल ग्रुप का क्लास हो रहा है, इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास आपका जो है 11 बजे से लग रहा है, और आप सबको सब काम छोड़ छाड़ के 11 बजे आना है। क्यों? ये क्लास आपको जो है क्वालिफाइंग कराएगा। अगर ये क्लास अगर नहीं हुआ तो आपका मेरिट ही नहीं बनेगा, इसीलिए इस क्लास को मिस नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करके इस क्लास को देखना है साथियों। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ से ये आपका यही परिवार है, और नेक्स्ट फिर नेक्स्ट संडे जो है हम सब फिर अच्छे जोश और जुनून के साथ जितने भी साथी होंगे सबको
बोल देना है और इस बार परचम लहराने का काम करेंगे। और ये सीरीज आपको अच्छा लगा तो अच्छे तरीके से रेगुलर जुड़ना है। और आज का क्लास हम सब यहीं तक रखते हैं, फिर नए रेगुलर मोड में जो आपका क्लास चल रहा है उसको एंजॉय करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।